अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम सीएसटी सेनो का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेक्चर नंबर 7 में जो पेपर में एमसीक्यू और क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 7 में हमें माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट दिया गया है। माइक्रो प्रोसेसर पैकेज होते हैं वो बहुत सारे सिग्नल्स रखते हैं डाटा को कंट्रोल करने के लिए और ड्रेसेस के लिए। उसके बाद जो है ये सिग्नल्स जो होते हैं हमारे पास इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं। इसमें जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं वो दो तरह के इनपुट सिग्नल्स जो है बनाती हैं। उनके वो दो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनके नेम NMI हैं और INTR हैं। NMI से जो है हमारे पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट हैं, स्टैंड फॉर जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म ली गई है। उसके बाद हमारे पास INTR जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैं जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म ली गई हैं INTR, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है NMI, अगर हम NMI को देखते हैं तो ये हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स रखती हैं। उसके बाद INT इंटरप्ट जो होती हैं से, ठीक है, INTR इंटरप्ट से NMI जो होती हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स रखती हैं। और उसके बाद हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स जो होती हैं होल्ड्स और रिसेट का हाई प्रायोरिटीज होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में सॉरी यहाँ पे भी दिखाया गया है रिसेट और होल्ड का कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट जो होती हैं वो प्रायोरिटी की बेस पे ही जो है माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट अगर सॉफ्टवेयर के बगैर ही हम माइक्रो प्रोसेसर को जो है इंटरप्ट कर लेते हैं तो देन उसको हम हार्डवेयर इंटरप्ट का नाम देंगे। हार्डवेयर इंटरप्ट जो है यहाँ पे ज़्यादातर डिवाइसेस जो होती हैं वो इंटरप्ट लाइन को यूज़ करती हैं। उसके बाद ALU जो सर्कल्स होते हैं ये हमारी डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। INTR जो होते हैं ये अदर डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं जैसे कि COM पोर्ट्स हैं, LPT पोर्ट्स हैं और कीबोर्ड टाइमर हैं और PIC स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर हैं, ठीक है, एब्रीवेशन है जो है PIC प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर का। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोलर का कंसेप्ट है। इंटरप्ट कंट्रोलर सिग्नल्स जो होते हैं सिग्नल्स इंटरप्ट कंट्रोलर जो होते हैं वो सिंगल एक जो इंटरप्ट कंट्रोलर होता है वो एट डिवाइसेस के दरमियान जो है आर्बिट्रेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास IRQ0 और IRQ7 दिखाई गई है इनपुट इंटरप्ट जो है। यहाँ पे इसका बताया गया है कि PIC डिवाइस जो होती हैं हमारे पास वो 8 इनपुट जो हैं रखती हैं IRQ0 से IRQ7 तक, ठीक है, क्योंकि 1 से 8 तक नहीं है, 8 रखती हैं लेकिन उसको हम IQR0 से IQR7 तक रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद IQR0 जो होती हैं वो हाई उसकी प्रायोरिटी होती हैं और IQR7 जो होती हैं वो लो प्रायोरिटी रखती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास IRQ और इनपुट्स जो होती हैं उसको अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो होती हैं उसके साथ अटैच करते हैं और ये डिवाइसेज जो होती हैं वो IP ऑपरेशन जो होती हैं हमारे उसको लिए रिक्वायर की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास INTA जो है ये इस स्टैंड फॉर है इंटरप्ट इकनॉलेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड PC होते हैं वो 8 जो है मोर देन 8 डिवाइसेस हो सकती हैं स्टैंडर्ड PC में। उसके बाद 2 PIC जो होते हैं यूज होते हैं इंटरप्ट लाइन आर्बिट्रेशन के लिए। उसके बाद 2 PIC जो होते हैं आर केस के एडिट जो होते हैं उसमें एक ये 2 जो होते हैं वो हमारे पास 16 जो डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान आर्बिट्रेट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें PIC जो हैं और टोटल जो हमारे पास PIC के स्केड होते हैं वो हमारे पास IQR जो होती हैं वो 16 होती हैं। इसको जो हम नंबर्स देते हैं वो IQR 0 से IQR 15 तक देते हैं। उसके बाद IQR लेवल 2 के अंदर जब जाते हैं तो
ये जो इसके केस के होते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो हमारे पास बोथ पीआईसी डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे IQR2 इनपुट ऑफ द मास्टर पीआईसी जो कनेक्टेड होती है इंटरप्ट आउटपुट के लिए, ऑफ द जो स्लेव पीआईसी होती हैं उसकी इंटरप्ट आउटपुट के साथ ये मास्टर पीआईसी जो होती है वो कनेक्ट होती हैं। ठीक है, मास्टर और स्लेव का यहाँ पे कंसेप्ट दिखाया गया है। मास्टर पीआईसी जो होती हैं वो जनरेट करती हैं इंटरप्ट नंबर्स 8 से 15 तक, यानी IQR0 से IQR7 के लिए। उसके बाद हमारे पास स्लेव पीआईसी जो होती हैं वो जनरेट करती हैं इंटरप्ट नंबर 70 से 77 एच से जो है वो IQR8 और IQR15 के लिए इंटरप्ट नंबर जो है वो जनरेट करती हैं। उसके बाद IQR0 जो होती हैं एज अ हाई, पीछे भी हम देख चुके हैं कि वो हाई प्रायोरिटी रखती हैं, और IQR15 जो है वो लोग प्रायोरिटी रखती है। उसके बाद यहाँ पे ना ABC का कंसेप्ट दिखाया गया है, यहाँ पे ये सारा आप रीड करना है। इसमें कोई वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सारा इसकी जो है वर्किंग ही शो करवाएगी है कि हमारे पास इनपुट रिसीव्ड अगर CBA है तो लॉजिकली ये जो है करेक्ट हैं, और जो उसके बाद लॉजिकली करेक्ट जो है वो ABC, यानी इनके यहाँ पे सिक्वेंस को जो है सारा बताया गया है। यहाँ पे EOI जो होती है एंड ऑफ इंटरप्ट होती है हमारे पास, जो लॉन्ग अगर जो होती है हमारे पास पेंडिंग हार्डवेयर इंटरप्ट जो होती हैं, अगर उसके ऑपरेशन जो होते हैं वो लॉन्ग हो तो देन पेंडिंग जो हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती हैं अकर्स होती हैं, तो जो उसको वो मतलब रिपीट करना शुरू हो जाती है, तो इस केस में जो है डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। प्रोग्रामिंग द PIC जो होती हैं, PIC 2 नंबर्स रखती हैं, PIC होती हैं उसमें 2 नंबर्स होते हैं OCW और ICW जो होते हैं। OCW स्टैंड फॉर ऑपरेशन कंट्रोल वर्ड्स, और ICW जो होते हैं स्टैंड फॉर इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वर्ड्स, इनकी शॉर्ट फॉर्म ली गई है। इस तरह की चीज़ें माइंड में रखा करें, MCQs में पूछी जाती हैं। IC और कुछ जो है ICW एंड OCW कुछ जो है करेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिखाई गई हैं। ICW जो है प्रोग्राम्ड एट टाइम ऑफ बूट अप, ठीक है, इस तरह सारा बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे OCW की बात करें तो ये एट रन टाइम यूज़ करते हैं। अगर ISR जो होता है स्टैंड फॉर इन सर्विस रजिस्टर्स, IMR इंटरप्ट मास्क रजिस्टर्स हैं, IRR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर्स हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म ली गई है। उसके बाद IQR4 जो होते हैं ऑफ द PIC, तो इंट 0 सी केस मास्टर PIC के केस में यूज़ करते हैं। ऐसे ही इंट 9H कीबोर्ड इंटरप्ट हैं, IQR1 के लिए मास्क के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद पोर्ट एड्रेसेस की बात करें तो OCW जो हमारे पास हैं ऑपरेशन कंट्रोल वर्ड जो हैं, इसकी कुछ यहाँ पे एड्रेसेस जो हैं शो करवाई गई हैं, मास्टर हैं, और यहाँ पे स्लेव PIC है। मास्टर PIC हैज़ 2 पोर्ट्स, मास्टर PIC की 2 पोर्ट्स हैं, 20H हैं जो कि OCW फॉर EOI के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद 21H जो कि 0CW फॉर IMR के लिए होती है। स्लेव PIC जो होते हैं उसकी 2 पोर्ट्स होती हैं, A0H और A1 जो कि EOI के लिए यूज़ करते हैं और IMR के लिए यूज़। यहाँ पे कोड दिखाया गया है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जैसे पहले करते आ रहे हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड इंटरप्ट जो होती हैं वो इंटरसेप्टेड होती हैं जब कीबोर्ड इंटरप्ट अकर्स होती हैं, तो न्यू इंटर 9 का जो फंक्शन होते हैं वो स्कैन कोड को रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कीबोर्ड पोर्ट्स से जो स्कैन कोड रिसीव करते हैं, कीबोर्ड पोर्ट जो 0 जो हमारे पास 16 होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोड दिखाया गया है, स्कैन कोड जो होते हैं अगर की पास होती हैं तो देन 0IF जो होते हैं वो इंडिकेट्स करवाते हैं हमें कि की पास हो गए हैं स्कैन कोड। ठीक है, ये था आज की शॉर्ट सी वीडियो लेक्चर नंबर 7 की। सो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।